Hello, once again, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing order by clause, group by clause and having clause. So let's begin. हमने पहले क्या किया, एक टेबल बना ली जिसमें स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट नेम, उसका लास्ट नेम, यही एंटर किए थे. लेकिन फिर दिमाग में आया कि मार्क्स भी एंटर करने थे, तो क्या किया, टेबल को ऑल्टर किया. ऑल्टर करके उसमें कॉलम ऐड करवाया. वो कॉलम ऐड करवाने के बाद अब उस मार्क्स वाले कॉलम में वैल्यूज को एंटर करना था, तो मल्टीपल वैल्यूज एक साथ एंटर करवा ली. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कॉलम का नेम दैट इज मार्क्स, देन इज वैल्यूज, फिर एक साथ जितने भी मेरे ये रोज थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज थी इसलिए 7 वैल्यूज एंटर करा ली, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 रिकॉर्ड अपडेटेड. सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट क्वेरी वंस अगेन. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है, हमने क्या सोचकर वैल्यूज एंटर कराई थी कि यहाँ मार्क्स में वैल्यूज एंटर हो जाए जहां पर हर एक के नाम के सामने. पर देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, मार्क्स एंटर हो गए, पर वो उसके आगे हो गए. यहाँ पर रोल नंबर, क्लास और नेम और लास्ट नेम के लिए नल वैल्यूज क्रिएट हो गई. पर हम चाहते क्या थे कि जहां पर आपके नेम्स ऑलरेडी गिवन है उनके सामने मार्क्स अपडेट हो. सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू डिलीट ऑल दीज वैल्यूज. पेयर सीरियल नंबर इसके लिए यहाँ यूज होगा इज नल. सो 8 रोज अफेक्टेड. तो अब अपने टेबल देखते हैं उसमें कौन सा डेटा बचा है. ओके तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लिया है उस कॉलम में जो हमने बाद में ऐड किया था मार्क्स. प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता है कि अगर ये सारी वैल्यूज एक साथ अपडेट हो सकती तो. अब हम ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करने वाले हैं. सो यूजिंग ऑर्डर बाय क्लोज, कीवर्ड्स असेंडिंग और यू कैन से एएससी फॉर असेंडिंग एंड डीईएससी फॉर डिसेंडिंग are used. इस बात का मतलब क्या है कि अगर मुझे अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो मैं क्या कीवर्ड यूज करूंगी, एएससी, और अगर मुझे उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, डीईएससी. तो अब एक क्वेरी यूज करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए. तो क्वेरी क्या रहेगी, सिलेक्ट लीजिए मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने, तो स्टार फ्रॉम मेरी टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मैं क्या चाहती हूँ कि ये क्लास वाइज जो है ऑर्डर में आ जाए, जो सबसे छोटी क्लास है वो ऊपर आ जाए, और फिर उसके बाद लाइक 10th सबसे ऊपर हो, फिर 11th का बच्चा हो, फिर 12th का बच्चा हो, इस तरीके से ऑर्डरिंग हो. तो मेरे कॉलम का नाम क्या है जिसमें क्लासेस, जहाँ क्लासेस मेंशन है, एस क्लास. तो आप देख रहे हैं अब जो डेटा है वो अरेंज होकर आ गया है क्लास वाइज. जो 10th क्लास के बच्चे हैं दोनों, मोहित और पैंथर, वो ऊपर आ गए हैं, फिर क्लास 11th के बच्चे डूबी और डेजी, और फिर क्लास 12th के बच्चे. अभी बाय डिफॉल्ट जो है ऑर्डर कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू. सो वी कैन से दैट बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग. वी कैन चेंज दिस बाय यूजिंग द कीवर्ड डीएससी. एंड नॉट ओनली दिस, इफ वी डोंट मेंशन एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर क्लोज, देन बाय डिफॉल्ट विच ऑर्डर विल बी फॉलोड, By default the value again will be ascending order only. तो एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से, अब अगर यहां पर मैं कीवर्ड मेंशन कर दूं DESC तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी अब की बार 12th क्लास वाले बच्चे सबसे ऊपर शो होंगे. मोनिका, नीरू, शीतल 12th क्लास में मेंशन है, देन 11th क्लास के बच्चे और फिर 10th क्लास के बच्चे. मैं इसे फिर से असेंडिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ ASC कीवर्ड यूज करते हुए. देन इज ऑर्डरिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स. तो अपनी वही वाली क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. एक तो हम ऑर्डर करेंगे इसको क्लास के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ हम क्लास वाइज ये देखना चाहते हैं कि ये मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अरेंज हो जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ दूसरे कॉलम का नाम और दे देती हूँ कि ये लेवल वाइज जो है अरेंज हो जाए. इसके आउटपुट से आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कॉमा, कॉलम का नेम क्या है, मार्क्स स्पेस और डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो एंटर. तो अब देखिए क्या हुआ है, क्या चेंज आया है पहले वाले डेटाबेस में और इसमें. ये तो ऐसे ही है,
टेंथ क्लास क्योंकि पहले हमने क्लास वाइज अरेंज किया, ये एज इट इज है, टेंथ क्लास के बच्चे पहले, फिर इलेवेंथ के, फिर ट्वेल्थ के। अब देखिए ये बाय चांस मार्क्स इनके ऑलरेडी अरेंज्ड से डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया मोहित और पैंथर में। अब मैं अगर क्लास इलेवेंथ के बच्चों के अंदर देखूं तो उसमें देखिए पहले क्या था, डूबी फिर डेजी, है ना। अब यहां देखिए पहले किसका नाम आ रहा है, डेजी और डूबी, यानी क्लास वाइज भी किस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए हैं वो पहले शो। तो अगर मुझे ऐसा करना था तो मैंने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स पर ऑर्डरिंग पुट कर दी। तो इसीलिए डेजी के ज्यादा मार्क्स थे तो क्लास 11 में पहले डेजी का मार्क, डेजी का नेम शो रहा है और फिर डूबी का। इसी तरीके से क्लास 12 के बच्चों को देखिए, पहले क्या आउटपुट था, मोनिका, नीरू एंड शीतल, सिर्फ अगर क्लास वाइज अरेंज हो रहा था तो। लेकिन वहीं अगर क्लास के विद इन मुझे ये चेक करना था कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो कैसे शो रहा है, पहले नीरू फिर मोनिका और फिर शीतल। अब उनपे क्या किया है, मल्टीपल कॉलम्स पर ऑर्डरिंग की है, मार्क्स को भी अरेंज करवाया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए इस तरीके का आउटपुट शो होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन। ऑर्डरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन, इस बात का क्या मतलब है कि मैं कुछ एक्सप्रेशन के बेसिस पर भी डेटा को अरेंज कर सकती हूँ, यानी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करा के और फिर आउटपुट को शो करा सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा, एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय एस क्लास ओनली। अब मार्क्स की जगह मैं अगर क्या लिख दूं, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिख दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लेकिन किसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, और वह एक्सप्रेशन मैंने क्या लिया है, यही लिया है मार्क्स, पर मार्क्स पे कुछ कैलकुलेशन ही परफॉर्म करा दी। मार्क्स स्टार, यहाँ स्टार एस्ट्रिक वाला साइन के लिए नहीं है कि सब कुछ रख करना है, यहाँ पर वो कैलकुलेशन के लिए है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एक्चुअली यही साइन यूज होता है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं ना स्कूल्स में कि अगर सेशन को टर्म्स में बांटा गया है, टर्म वन टर्म टू को, तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया होता है कि टर्म वन के 35% मार्क्स जुड़ेंगे या 40% मार्क्स जुड़ेंगे, डिपेंड्स, हर बार सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने ये डिसाइड किया टर्म वन के 40% मार्क्स ही आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे, तो मैं वही कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 40% यानी 0.40, तो इसलिए मैंने मार्क्स को 0.40 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो जितने भी मार्क्स आए थे उसका 40% कैलकुलेट करके उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए आउटपुट सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने डेटा को अरेंज तो कर दिया है, लेकिन चाहे जितने भी वो मार्क्स थे उनका चाहे 30% निकाले चाहे 40, तो सबका ही तो निकल रहा है उतना ही परसेंट। तो जैसा ऑर्डर पहले ही था, अगर 93 मार्क्स आए हैं तो उसका जो भी 40% होगा वो जाहिर सी बात है 87 के 40% से ज्यादा ही होगा, इसलिए ये ऑर्डर में आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, पर ये उसी ऑर्डर में अरेंज हो गई है जिस ऑर्डर में आपने नॉर्मल मार्क्स को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलम नेम भी ऐसा आए कि ये मार्क्स जो कैलकुलेट होकर आए हैं वो, और कैलकुलेटेड मार्क्स यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए इस क्वेरी को हल्का सा और बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखने की बजाय आप कॉलम नेम्स को मेंशन करेंगे। सिलेक्ट क्या क्या सिलेक्ट कराना चाहते हैं आप, सपोज स्टूडेंट रोल नंबर कमा स्टूडेंट नेम कमा स्टूडेंट क्लास कमा, अब मार्क्स की जगह आप क्या चाहते हैं कि मार्क्स पर कैसे कैलकुलेटेड किए हुए 0.40% फाइंड आउट करने के बाद जो मार्क्स हैं वो, फिर टेबल का नाम सो फ्रॉम स्टूडेंट एंड ऑर्डर बाय एस क्लास ओनली एंड मार्क्स स्टार 0.40% डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देख रहे हैं आप किस तरीके से अब जो वैल्यू शो हो रही है वो आपकी कॉलम का नाम भी बदल गया है क्योंकि आपने यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज किया है, और साथ के साथ आपके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेटेड फॉर्म में आए हैं 93 का 40% सो 37.2, इस तरीके से ये वैल्यूज आपकी शो हो रही हैं। अब आप चाहे कि नहीं, ये जो टाइटल है ना, ये मार्क्स इंटू 0.40 लास्ट में कॉलम में जो कॉलम नेम है ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे थे कि यहाँ पर भी ना कॉलम नेम जो है वो चेंज होकर आए लाइक टर्म वन मार्क्स, तो इसके लिए आपको पता है आप अलाइज नेम यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेरी को हल्का सा और चेंज करते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो ये मार्क्स कैलकुलेट होकर आए इसको नाम दे दें एज टर्म वन मार्क्स। तो देख रहे हैं आप इस तरीके से ये कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाए। एक और छोटा सा चेंज करके देखना चाहती हूँ मैं, क्या यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे मार्क्स, लेट्स चेक द आउटपुट वंस अगेन। ओके इट्स कम्प्लीटली ओके दिस वे ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। देन लेट अस प्रैक्टिस एग्रीगेट फंक्शंस। सो एवरेज फंक्शन से क्या मतलब है,
एवरेज फंक्शन का ही दूसरा नाम ग्रुप फंक्शन भी है, या यूं कह लीजिए मल्टीपल रोज फंक्शन भी है. क्यों? क्योंकि क्योंकि ये फंक्शन जो है ये मल्टीपल रोज पर अप्लाई होते हैं, ग्रुप ऑफ रोज पर अप्लाई होते हैं, बजाय कि एक एक रो पे अप्लाई होने के. और बहुत सारे ग्रुप फंक्शंस जो हैं वो इस तरीके के ऑप्शंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डिस्टिंक्ट एंड ऑल. डिस्टिंक्ट शब्द ही बता रहा है आपको कि एक ऐसा ऑप्शन जो क्या करेगा, ग्रुप फंक्शन को सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज कंसीडर करने के लिए बोलेगा. डिस्टिंक्ट यानी जो डिफरेंट हो, जो यूनिक हो, जो रिपीट ना हो रही हो, डुप्लीकेट, जिसका डुप्लीकेट अवेलेबल ना हो. और ऑल में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज भी कंसिडर हो जाएंगी. वैसे देखा जाए तो ऑल तो मेंशन ना भी करे तो एक ही बात है, अदरवाइज भी वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसिडर करता ही है. सो फर्स्ट वन इज एवीजी फंक्शन, यूं कह लीजिए एवरेज फंक्शन. क्या करेगा? इट विल कैलकुलेट एवरेज वैल्यूज, इट विल फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन कॉलम. ये चीज एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगी. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक बार वो टेबल ही देख लेती हूँ जो अपने पास एग्जिस्टिंग टेबल है. ये अपनी टेबल है. अब इसमें हम क्या चाहते हैं, सपोज एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो 11th क्लास में, 12th में, जैसे भी है, सबका अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है तो पहले मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले रखी. तो या तो एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, वहां डुप्लीकेट वैल्यूज ले लेंगे. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और फिर 118 रोल नंबर, क्लास लेट इट बी 11 एंड नेम इज श्री, लास्ट नेम बोवियन एंड मार्क्स आर 92. इसी तरीके से एक और वैल्यू ले लेते हैं जहां पर मार्क्स को रिपीट करा रहते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं स्वीटी, क्लास 12, रोल नंबर 10 एंड दैट्स इट. ये दो वैल्यूज काफी हैं जो हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए. अब एवरेज फाइंड करेंगे. सो सिलेक्ट एवरेज के लिए क्या यूज करेंगे, एबीजी. और मैं किसका एवरेज फाइंड करना चाहती हूँ, मार्क्स का. मान लीजिए उसे अगर कोई और नाम देना चाहती हूँ, लाइक मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा डिस्प्ले हो कि पता चले कि ये एवरेज मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैं इसको हेडिंग देना चाहती हूँ एवरेज मार्क्स एंड देन टेबल नेम फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकॉलन एंटर. व्हाट हैपेंड? ओके, यहाँ पर के डबल कोट्स कहीं और पहुंच गए, दैट इज व्हाई. ओके, तो देखिए ये हमारे एवरेज मार्क्स जो है कैलकुलेट होकर आ गए हैं पूरे कॉलम के, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, ये सबका जो है एवरेज स्कोर आ गया है. द नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट फंक्शन. इसका नाम ही बता रहे हैं, ये क्या करने वाला है, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल. और अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम की कंडीशन लेकर चल रहे हैं तो इन अ गिवन कॉलम, या अगर कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करवाया है तो फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन. अब इसे यूज करते हैं, जैसे सिलेक्ट काउंट. अगर मुझे सारी रोज कैलकुलेट करानी है कि कितनी है, तो स्टार कीवर्ड यूज कर दिया और फिर यहाँ के लिए कुछ भी अलाइज नेम दे दिया, जैसे टोटल काउंट या काउंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं हेडिंग में. नहीं लिखेंगे कुछ तो भी तो कोई मैटर नहीं करेगा. और फिर टेबल का नेम फ्रॉम स्टूडेंट. तो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स थे, इसलिए 9 वैल्यू आई काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So that is why it is returning 9 here. और यहाँ पर जो आपने ये टोटल काउंट मेंशन किया था, इसका यहाँ पर ये हेडिंग की तरह शो होता है. अगर मैं इसे मेंशन ना करूँ तो क्या होगा, देखिए. सो इट विल सिंपली रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ काउंट्स. और यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये फंक्शन यूज हो रहा है, इसी को हेडिंग बना देगा. लेकिन अगर आप चाहते थोड़ा सा अपीलिंग हो, इसकी अपीयरेंस अच्छी हो, समझ आए कि ये क्या है, तो आप ऐसा नाम दे सकते हैं डबल कोट्स के अंदर. अब अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए वो इसका आउटपुट शो करे, तो सिलेक्ट काउंट और यहाँ पर लिख दूं मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और मैं मार्क्स डिस्टिंक्ट चाहती हूँ, ओनली डिफरेंट मार्क्स, हेडिंग दे दिया उसका स्टूडेंट. तो अब ये मार्क्स बताएगा काउंट करके कितने रोज हैं, पर सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए. जो दो रिपीटेड वैल्यूज हैं 88 और 92, वो इसमें काउंट नहीं होंगी. सो दैट मीन्स सोचिए कि आउटपुट क्या आना चाहिए, 7. सो दैट इज व्हाई इट इज काउंटिंग देम एज 7, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को कंसिडर करेगा. यानी ये जो दो रिपीटेड वैल्यूज हैं 88, इनको सिर्फ एक ही बार काउंट कर रहा है. इसी तरीके से 92 और 92, इनको भी एक ही बार काउंट कर रहा है. मैं चाहूं तो इस काउंट एक्सप्रेशन को यूज कर सकती हूं सिर्फ एक ही कॉलम के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन यूज इट फॉर क्लास, और यहां पर कुछ भी हेडिंग मेंशन कर सकती हूं जो इसको डिस्क्राइब करे, नंबर ऑफ
अब देखिए क्या होगा. ओके फाइन, बाय मिस्टेक हमने क्या किया, क्लास फील्ड का जो नेम था वो क्लास नहीं था, वो स्टूडेंट क्लास है, दैट इज एस क्लास. तो उसमें चेंजेस करते हैं, यहां पर लिखते हैं एस क्लास. नाउ इट विल एग्जीक्यूट. तो ये 9 रोज शो कर रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो क्लासेस जो है वो रिपीट हो रही थी. देखिए अपनी अपनी टेबल देखिए, इसमें क्लासेस जो है वो रिपीट हो रही है, क्लास 12, 10, 12, 11, इस तरीके से. तो मैं चाहती हूँ कि जो क्लासेस रिपीट हो रही है वो सिर्फ एक ही बार शो हो. तो यहाँ एक्चुअल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का आपको काम नजर आएगा. सो लेट्स यूज दैट क्वेरी. यहाँ डिस्टिंक्ट मार्क्स की जगह मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्या हो, स्टूडेंट की क्लास हो, एस क्लास, डिस्टिंक्ट क्लास. और उसके लिए हेडिंग डाल दूं मैं नंबर ऑफ क्लासेस. अब इसका डिस्टिंक्ट कीवर्ड का आपको एक्चुअल यूज महसूस होगा, नंबर ऑफ क्लासेस इन द टेबल. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट क्लास नंबर ऑफ क्लासेस फ्रॉम स्टूडेंट. तो अब देखिए अब की बार ये करेक्ट आउटपुट दे रहा है. इससे आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मीनिंग भी क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्लासेस देखी कौन कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे, 12th के, 10th के और 11th के. अगर मैं सिर्फ काउंट कीवर्ड लिख रही हूं तो क्या होगा, ये 9 नंबर ऑफ क्लासेस रिटर्न करके देगा. पर एक्चुअल में कितने क्लासेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, सिर्फ 10th, 11th एंड 12th. तो इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जो क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं इस टेबल में, सिर्फ 3. नेक्स्ट इज योर थर्ड फंक्शन इज मैक्स फंक्शन. इसका नाम भी बता रहे हैं, ये क्या कर रहा होगा, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम. सिंटेक्स सिमिलर है. तो आप यहाँ पर फंक्शन क्या यूज कर देंगे, यहाँ पर आप कॉलम का नाम, सपोज मैं मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ. चलो पहले अगर मैं क्लास को ही देख लूँ कि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है इसमें, और यहाँ पर हेडिंग थोड़ा अच्छा सा दे दूँ, कह दूँ कि हाईएस्ट क्लास कौन सी है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास, मतलब क्लास 12th हाईएस्ट है. तो देखते हैं ये क्या आउटपुट शो करेगी. 12 आना चाहिए, सो क्योंकि 12th क्लास यहाँ पर सबसे बड़ी क्लास थी, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 12. इसी तरीके से मैं अगर मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या फाइंड करने हैं, हाईएस्ट मार्क्स. तो मैं अपनी क्वेरी में यहाँ पर कॉलम का बस नेम चेंज कर दूंगी, स्टूडेंट क्लास की जगह क्या पास कर दूंगी, मार्क्स. तो जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर किन्हीं दो स्टूडेंट्स के 97 मार्क्स आ रहे होते तो क्या यूज कर लेते हम, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, या यूं कह लीजिए वो दोनों डिस्प्ले हो जाते. नेक्स्ट फंक्शन इज योर मेन फंक्शन, या यूं कह लीजिए कि मिनिमम फंक्शन. ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम. इसे यूज करते हैं, बस मैक्स की जगह मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, मेन फंक्शन मेंशन कर दूंगी. लेट्स चेक, हाईएस्ट की जगह लिख दूं यहाँ पर लोवेस्ट. तो देखिए लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, 87. नेक्स्ट फंक्शन इज सम फंक्शन, और सम फंक्शन का क्या काम होगा, इट रिटर्न्स द टोटल वैल्यूज, टोटल सम, मतलब जो सबको जोड़ कर जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न करेगा. सो इट रिटर्न्स द टोटल सम, या यू कह लीजिए सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अ गिवन कॉलम. इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, बस यहाँ पर हम क्या लिख दें, मैं सपोज मुझे मार्क्स का ही टोटल कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सम मार्क्स, और यहाँ पर लिख दूँ सबके टोटल मार्क्स. सो टोटल मार्क्स, जैसे हमने पहले एवरेज निकाले थे सबके, और टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल करके यहाँ में दे रहा है. तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐसे ना चाहिए होते कि सबका ही टोटल कर रहे हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स का भी, 11th के भी, 12th के भी. पर मैं अगर ऐसे चाहूँ कि नहीं ये 11th क्लास के अलग, 12th के अलग, इस तरीके से शो करे, तो पहले तो मैं अपनी टेबल डिस्प्ले करा लेती हूँ ताकि आपको आउटपुट समझ आए कि हो क्या रहा है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट. अब इन्हीं फंक्शंस को हम कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सिलेक्ट सम फंक्शन का भी यूज किया था. सो सम किसका सम, मार्क्स का सम, कहां से, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट. अब इस पे कंडीशन लगा दें, वेयर वेयर क्लास दैट इज एस क्लास इज इक्वल टू सपोज 12th क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स, उनका टोटल चाहिए सिर्फ. तो आप देख रहे हैं अब वो टोटल मार्क्स नहीं दे रहा, सारे स्टूडेंट्स के मिलाकर तो 816 थे, सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के मार्क्स की अगर बात करें तो वो 355, यानी 89 प्लस 90 प्लस 88 एंड प्लस 88, इन सब का सम कर रहा है सिर्फ, और वो रिटर्न कर रहा है हमें 355. इसी तरीके से हम एवरेज पर भी ये चीज अप्लाई कर सकते थे कि सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमें कैलकुलेट करके दे, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो 88.75 इज द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स. अगर आपको क्लास 10th के चाहिए तो जाहिर सी बात है आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर बस क्लास को चेंज कर देंगे, दैट इज
क्लास 10 स्टूडेंट्स, उनके जो एवरेज मार्क्स, एवरेज स्कोर है वो कितना है? 90%. सो अगर हम जनरल सेंस में देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि इन जनरल जितने भी ग्रुप फंक्शंस हैं, जितने भी आपके ग्रुप फंक्शंस हैं, दे रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ रोज. यानी वो क्या कह रहे हैं कि बेशक से वो ऑपरेशन मल्टीपल रोज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर रिटर्न क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं. एंड ऑल्सो दे कैन बी अप्लाइड टू न्यूमेरिक वैल्यूज, टू एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज एंड टू सम टेक्स्ट वैल्यूज, नॉट ऑल, एंड टू डेट वैल्यूज. डेट वैल्यूज पर भी ये फंक्शन अप्लाई होते हैं, लाइक मिनिमम डेट यानी सबसे छोटी डेट यानी सबसे पुरानी डेट, मैक्सिमम डेट यानी बिल्कुल करंट वाली डेट. इस तरीके से ये ऑपरेशन उन पर भी अप्लाई हो सकते हैं. सो ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है? इट कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड और अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स. तो चलिए ग्रुप बाय का जो ग्रुप बाय का काम है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टेबल पहले फिर से वापस ले आती हूँ. सिलेक्ट से रिजल्ट आसानी से समझ आता है कि हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं. फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारी टेबल है. अब इस टेबल पर हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, क्लास वाइज ग्रुपिंग, कि क्लासेस वाइज जो है वो ग्रुप होकर आ जाए. और कैसे ग्रुप होकर आ जाए कि जैसे क्लास 12th के अगर स्टूडेंट्स देखें तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4. तो काउंटिंग होकर आए कि क्लास 12th के 4 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th के 1, 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के 1, 2 और 3 स्टूडेंट हैं. इस तरीके से डेटा आए. तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं क्लास वाइज और साथ के साथ एक और फंक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा, काउंट. सो लेट्स डू दिस. सिलेक्ट व्हाट, सिलेक्ट एस क्लास कमा काउंट स्टार, कहां से, कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट, पर उनकी ग्रुपिंग हो, ग्रुपिंग के बाद ग्रुपिंग के साथ काउंटिंग हो. सो ग्रुप बाय हिसाब से ग्रुप कराना चाहते हो, क्लास के हिसाब से ही, एस क्लास सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट सी. तो इसने क्या किया, इस तरीके से वैल्यूज रिटर्न करके दी कि क्लास 12th ग्रुपिंग की किसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से. यानी क्लास 12th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, और क्लास 11th के कितने स्टूडेंट्स हैं, 3. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप ये ना चाहें कि यहाँ पर क्लास आए और साथ के साथ मान लीजिए मैं अब कुछ ऐसा आउटपुट चाहती हूँ कि ग्रुपिंग तो हो गई क्लास 12th 10th 11th की, अब ग्रुप वाइज जो है मार्क्स का टोटल भी होकर आ जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हल्का सा चेंज करेंगे अपनी क्वेरी में. काउंट स्टार के साथ साथ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन यूज कर लेंगे, कमा सम फंक्शन, सम और फिर किन का सम, मार्क्स का सम, फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रुप बाय हमने पहले ही कर रखा है. सो लेट्स सी. अब देखिए उसने क्या किया, क्लास 12th के कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी बताया और उन उस ग्रुप के यानी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट करके हमें शो कर दिए. इसी तरीके से क्लास 10th के और 11th के. तो इस क्वेरी से हम ये कर सकते हैं. नाउ प्लीज मेक श्योर दैट द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ अ ग्रुप ओनली दोज फील्ड्स आर इंक्लूडेड दैट ईदर रिटर्न सिंगल वैल्यू फॉर अ ग्रुप, यानी एग्रीगेट फंक्शंस लग सकते हैं जिस पर, और आर कॉन्स्टेंट्स. अदरवाइज द रिजल्ट मे नॉट बी एज पर एक्सपेक्टेशन. एक और बात, ये जो ग्रुप फंक्शन है ये सिर्फ ग्रुप एक्सप्रेशन पर ही लगता है, नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन पर ये नहीं लगता है. अगर हम कोई नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन इस फील्ड में पास करते हैं तो सीक्वल कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा. वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम की हर वैल्यू को रिटर्न करेगा. तो बस वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूजलेस सा आउटपुट आ जाएगा आपके लिए, जो एक्चुअल में आप सोच कर उसे एग्जीक्यूट करोगे वो आउटपुट शो नहीं होगा. अब बारी है हैविंग क्लॉज की. हैविंग क्लॉज क्या करता है, इट प्लेसेस अ कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज. यानी इस बात का क्या मतलब है कि जो हैविंग क्लॉज है ना वो तो ग्रुप पर कंडीशन लगाता है, यानी ग्रुप बाय हमेशा यूज होगा, ग्रुप बाय क्लोज के बाद ही हैविंग क्लोज यूज होगा. अगर हैविंग क्लोज यूज करना है तो किसका होना जरूरी है, ग्रुप बाय का. क्यों, क्योंकि जो हैविंग क्लोज है वो कंडीशन अप्लाई करता है किस पर, एक ग्रुप पर. वेयर एज जो वेयर क्लोज होता था वहां भी कंडीशन यूज हो रही होती थी, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो इंडिविजुअल रोज पर अप्लाई हो रही होती है. सो वी आर सेइंग दैट हैविंग क्लोज अप्लाइज कंडीशन ऑन अ ग्रुप, whereas where clause applies condition on
सिंगल रोज. द सेम वे वी कैन ऑल्सो से वेयर क्लोज, यू कह लीजिए वेयर कंडीशंस, कैन नॉट वेयर कंडीशंस, कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शंस एंड हैविंग कंडीशन कैन डू दैट. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. सपोज करो ये ऊपर दी हुई टेबल है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें टोटल फाइंड आउट करना है और एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, पर सिर्फ किसके, सिर्फ उनके जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं. यानी मैं ग्रुपिंग भी करना चाहती हूँ, तो ये कैसे टूटेगी ये स्टेटमेंट, कि पहले तो ग्रुपिंग हो, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, और फिर उनके ऊपर फंक्शंस क्या लगे हुए हों कि वो टोटल करके दे हमें, यानी सम फाइंड आउट करके दे और एवरेज फाइंड आउट करके दे. लेट्स सी दिस बाय एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी. सिलेक्ट क्या एवरेज फाइंड आउट करके दे, किसका एवरेज, मार्क्स का, कबा सम फाइंड आउट करके दे मार्क्स का ही, क्योंकि मैंने ऐसी और कोई फील्ड ले नहीं रखी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसी, तो मैं सब कुछ इसी पर कैलकुलेट करा रही हूँ. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम, ग्रुप बाय, केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे तो इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करने के लिए कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ सिर्फ. ग्रुप बाय किसके हिसाब से ग्रुप करवाना चाहते हैं, क्लास के हिसाब से. सो ग्रुप बाय स्टूडेंट क्लास, दैट इज एस क्लास, मेरी फील्ड का नाम. हैविंग लास्ट नेम इज इक्वल टू घाल्यान, हैविंग एस क्लास इज इक्वल टू 12. तो देखो इसने क्या किया, ग्रुप बाय किया क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, उन्हीं का सिर्फ एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करके दिए और उन्हीं का टोटल सम फाइंड आउट करके दिया. अगर मैं ये हैविंग क्लोज नहीं यूज करती तो देखिए क्या आउटपुट आना था. तो ये तीनों क्लासेस के एवरेज और सम फाइंड आउट करके देता, क्यों, इसने ग्रुपिंग तो कर दी क्लास वाइज, भाई ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स और उनका सबके मार्क्स का सम, क्लास 12th के, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम. पर ये तो ग्रुपिंग हो गई, इस ग्रुपिंग में से भी सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले कराना था जो उस कंडीशन को फुलफिल करें. क्या कंडीशन, हैविंग एस क्लास इज इक्वल टू 12, यानी सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स. जैसे अगर मैं यहाँ पर हैविंग क्लोज में सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को रिजल्ट डिस्प्ले कराती तो क्या होता, ग्रुपिंग हो रखी है, ग्रुपिंग के बाद भी डिस्प्ले सिर्फ किसको कराना है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, जो कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के. तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 10th क्लास के एवरेज मार्क्स और सम डिस्प्ले हो रहे हैं. ये है हमारा हैविंग क्लोज का काम. और जो हैविंग क्लोज है वो सिर्फ आपकी, वो आपके बुलियन एक्सप्रेशंस को भी कंसिडर कर सकता है, यानी एक्सप्रेशन और ए कंडीशन जो किसमें रिजल्ट करे, ट्रू या फॉल्स में, या एग्रीगेट फंक्शंस को भी कंडीशन की तरह ले सकता है. जैसे अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हैविंग में मैं यहाँ क्या लिख दूं कि हैविंग एस क्लास ग्रेटर देन 11th, यानी 12th क्लास की ही बात कर रहे हैं हम. तो सी अभी भी ये क्या कर रहा है, आपको 12th क्लास का रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें उसके एवरेज मार्क्स और सम फाइंड आउट करके दे रहा है. यानी हमने यहाँ एक बुलियन एक्सप्रेशन का यूज किया, दैट वेयर एस क्लास इज ग्रेटर देन 11. इसी तरीके से एक एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर, जिनमें जो एवरेज है किसका, मार्क्स का, अगर मार्क्स का जो एवरेज है वो 90 से ज्यादा है तो सिर्फ उन्हीं क्लासेस को दिखाए. तो यहाँ पर आपके पास मार्क्स जिसमें एवरेज मार्क्स जिसमें क्या हो, ज्यादा हो 90 से, इसने 90 के भी शो कर दिए हैं, अदरवाइज सिर्फ ये शो होना चाहिए था, यानी इसने 90 और 90 से ज्यादा वाले मार्क्स यहाँ पर शो कर दिए हैं. या कुछ ऐसा, हैविंग स्टार ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स थे उसमें. सो एग्जीक्यूट, अभी भी ये 2 रोज को शो कर रहा है, क्योंकि आप देखिए क्लास 10th के और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को शो कर रहा है. कैसे, एक बार अपनी टेबल काफी पीछे चली गई उसको देखते हैं उसमें क्या क्या डेटा था, तब समझ आएगा कि इसका आउटपुट ये कैसे आया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए क्लास 12th के हमने कंडीशन क्या अप्लाई की कि विच आर लेस देन और इक्वल टू 3, जिसमें बच्चे क्या हो, 3 या 3 से कम हो. तो अब क्लास 12th के तो 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3 और 4, लेकिन क्लास 11th और 10th के अगर देखें तो 10th का सिर्फ 2 बच्चे और 11th के 1, 2, 3. इसीलिए ये क्लास 10th और 11th का रिजल्ट आपको यहाँ शो कर रहा है. अगर मैं उस कंडीशन को थोड़ा पलट दूं और मैं लेस देन की बजाय ग्रेटर देन कर दूं तो क्या शो होगा, इक्वल टू भी हटा दूं, ये सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आपको शो कर रहा है. अब एक नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन का भी एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रुप बाय. देखो वैसे इसका कोई फायदा नहीं है जब वो नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन ही है, ग्रुप बाय फंक्शन को यूज करके करेगा क्या, बट चलो एक बार को देख लेते हैं कि वो किस तरीके का आउटपुट शो करेगा.
So for example, I want to write here select e name, comma average marks from student group by स्टूडेंट रोल नंबर. अब देखो ना, स्टूडेंट के रोल नंबर्स तो एक प्राइमरी की थी, जो सारी अलग अलग वैल्यूज थी, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. तो जब वैल्यूज ही अलग अलग हैं, तो वो ग्रुप बाय हो ही नहीं सकती. तो यानी वो कैसा एक्सप्रेशन है? नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन है. उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रुप बाय. उसके लिए ग्रुप बाय यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. जब उनकी कोई ग्रुपिंग है ही नहीं पॉसिबल, तो ग्रुप बाय अप्लाई कैसे होगा? तो ये एज इट इज आपको ऑलमोस्ट ओके. यहाँ पर ई नेम, ई नेम नहीं, एम्प्लॉय नेम नहीं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम. यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है दैट एक्सप्रेशन वन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लोज एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स व्हिच इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कॉलम दिस. सो दिस इज इनकम्पैटिबल विद. सो व्हाट इफ आई से इट लाइक दिस? वो भी अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, वो नेम हटा दिया मैंने और सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट ग्रुप बाय, ग्रुपिंग बाय किस फील्ड से करा दी? आपके स्टूडेंट के रोल नंबर से. तो देखो कोई फायदा नहीं है, सारे रोल नंबर ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कैसा एक्सप्रेशन था? नॉन ग्रुप ग्रुप एक्सप्रेशन था. हमने क्या किया? हमने एवरेज मार्क्स को एवरेज फाइंड आउट किया मार्क्स का. कहां से? कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से. उसकी ग्रुपिंग कैसे की? स्टूडेंट के रोल नंबर से. तो क्योंकि हर एक का रोल नंबर अलग अलग था, तो उनके एवरेज क्या होंगे? खुद वो अलग, खुद के स्टूडेंट के मार्क्स. तो क्या ऐसे आउटपुट का कोई फायदा है? बेशक से एरर नहीं शो हो रहा, लेकिन आउटपुट में तो हमारे किसी काम का नहीं है. तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन. यानी ये हमारी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन को यूज करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगले वीडियो में हम जॉइंट्स डिस्कस करेंगे. That's all for today. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel.